हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करने के लिए आपको किन किन स्किल्स की जरूरत होगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम करने के लिए आपको जो नॉलेज है वो हैकिंग की होनी चाहिए। अपने ऑर्गेनाइजेशन को साइबर अटैक से बचाने के लिए आपको हैकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। यू विल नीड टू नो हाउ टू एथिकली हैक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरीके से हैक किया जा सकता है, क्या लूप होल्स हो सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, एंड ऑल्सो टू कम अप विद सोल्यूशन की किस तरीके से उसको साइबर अटैक से बचाया जा सकता है। तो इन सब काम को करने के लिए आपको भी एक हैकर के जो स्किल्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्किल जो है वो है क्लाउड सिक्योरिटी का स्किल होना। विद मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाउड सिक्योरिटी है या क्लाउड डेटाबेस है उस पर लोग जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो जो है क्योंकि ज़्यादा सिक्योर भी माना जाता है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क इन दिस फील्ड साइबर सिक्योरिटी के, यू शुड ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी में जो क्लाउड सिक्योरिटी है उसकी, बिकॉज जो काम ज़्यादा है वो वहाँ पे अब जाता जा रहा है क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ, तो यू शुड ऑल्सो हैव द नॉलेज ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी। उसके बाद आता है कंप्यूटर फॉरेंसिक स्किल्स। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एंड जो साइबर सिक्योरिटी है मोस्ट ऑफ द टाइम हैंड इन हैंड जाते हैं। आपकी अगर फाउंडेशन होगी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा टू वर्क इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। ये जो दोनों ही फील्ड हैं वो काम करते हैं टू सिक्योर यू नो जो एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स हैं, तो ये दोनों जो फील्ड हैं वो हैंड इन हैंड जाते हैं। वाइल जो साइबर सिक्योरिटी है वो ज्यादा फोकस करती है कि अगर अटैक हुआ तो क्या होगा साइबर अटैक का, एंड देन जो साइबर फॉरेंसिक है ऑन द अदर हैंड वो ज्यादा फोकस करते हैं कि व्हाट विल हैपन आफ्टर द साइबर अटैक, बट दे ऑल गो हैंड इन हैंड। सो इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ जो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है तो वो आपको काफी हेल्प करेगा टू एडवांस इन योर कैरियर इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी इज अनदर फील्ड जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए इफ यू वांट टू रियली वर्क इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। सो इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ ब्लॉकचेन सिक्योरिटी आपको वो भी बहुत हेल्प करेगा टू एडवांस इन योर जो साइबर सिक्योरिटी का फील्ड है उसमें आगे जाने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दैट इज एवरीवेयर, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा यू नो फील्ड है कि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटेड तरीके से आपको पहले से ही पता हो सकता है कि किस तरीके के यू नो ये जो साइबर थ्रेट हैं वो हो सकते हैं। सो यू कैन गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ इनसाइट इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ एआई तो काफी चीजें आपके लिए ऑटोमेटेड हो जाएंगी, एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू गो फर्दर इन दिस फील्ड। एंड इसके बाद जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी आप बहुत सारे जो यू नो और टीम्स हैं उनके साथ मिलके काम करेंगे। यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर टीम्स, अदर जो ऑर्गेनाइजेशन के और जो प्रोफेशनल हैं, सो यू हैव टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इवन इफ यू आर वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्रामिंग जो स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज वो बहुत आपको आनी चाहिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। जो आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सच एज जावा, पीएचपी, C++, इफ यू हैव द नॉलेज वो आपके लिए हमेशा एक हेल्प करेगी। एंड इन सब स्किल्स के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड, बिकॉज आप साइबर सिक्योरिटी में एक्चुअली एक प्रॉब्लम है उसको ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए यू शुड हैव द नैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना अच्छा लगता है, एंड इफ यू आर इंट्रीग्ड विथ साइबर सिक्योरिटी, आपको अगर इन सारी चीज़ों में टेक्निकलिटीज में बहुत अच्छा लगता है काम करना, तो दिस कुड बी अ वेरी गुड कैरियर फॉर यू। बट ऑल यू हैव टू डू इज जो सारे स्किल सेट मैंने आपको बताए वो आपके पास होने चाहिए, देन यू कैन वेरी वेल एडवांस इन दिस कैरियर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो कैरियर है आजकल काफी डिमांड में है, तो इफ यू हैव द बेसिक्स फॉर इट तब आप इसमें जरूर एडवांस करें इन दिस कैरियर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।